असलम डेयर स्टूडेंट्स माई नेम इज़ मुबरा मंजूर वेलकम टू माई क्लास वेर वी आर गोइंग टू स्टडी कंप्यूटर साइंसिस ऑफ ग्रेड ट्वेल्व आज हम एक्सरसाइजिज़स के नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं आपको ऑलरेडी पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किया था फ्रॉम नाउ ऑन वी आर गोइंग टू स्टडी सम ऑफ़ द सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनमें आपको या तो प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है या कुछ ना कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग की ज़रूरत है सो फ्राम नाउ ऑन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन विच आर ऑफ सब्जेक्ट नेचर सो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसमें से क्वेश्चन टेन है जो आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें लॉजिकल कुछ आ, ऐसे आंसर्स हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है कंफ्यूजन हो सकती है सो द क्वेश्चन इज वट डेटा टाइप वुड यू यूज टू रिप्रजेंट द फॉलोइंग आइटम्स अगर आप स्क्रीन पे देखें तो तीनों आइटम्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि उन्होंने गिवन प्रोवाइड किए हुए हैं और आपने ये बताना है कि उसमें किस तरह की डेटा टाइप यानी कि अगर आपने उसको एज अ वेरिएबल रिप्रेजेंट करना हो तो किस डेटा टाइप से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे द फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट योर स्कूल नंबर जो है दैट विल बी एन इंटीजर वैल्यू यानी कि आपका जो नंबर होगा वो थ्री पॉइंट फाइव स्टूडेंट तो नहीं हो सकते कभी भी स्कूल में या फोर पॉइंट जीरो सेवन तो नहीं हो सकते तो इसका मतलब है कि कोई इंटीजर वैल्यू ही होगी एंड पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी तो इसका मतलब कि हम इसको रिप्रजेंट कर सकते हैं विद इन इंटीजर डेटा टाइप यानी कि जब भी हम कहेंगे तो वो कोई होल नंबर ही होगा जिससे हम रिप्रेजेंट करें होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल तो इसका मतलब है द आंसर इज इंटीजर डेटा टाइप उसके बाद आप देखें तो अ लेटर ग्रेड ऑन एन एग्जाम ठीक है यानी कि लेटर ग्रेड जो है एक एग्जाम में वो किस डेटा टाइप से आप रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि आपके पास एक लेटर गिवन होता है ना जैसे हम कहते हैं ए बी सी डी ग्रेड जो गिवन होता है उसको आप किस डेटा टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें आप इसको कैरेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे ही है वो लेटर्स होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डेटा टाइप है वो ऐसे ही चूज होगी जिसमें आप कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हैं सो दैट विल बी कैरेक्टर डेटा टाइप ठीक है क्योंकि एक ही लेटर होता है जिससे आप ग्रेट यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं और उसे आप कैरेक्टर डेटा टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर उसके बाद आप नेक्स्ट देखें ऑप्शन तो दैट इज द एवरेज ऑफ योर क्लास तो एवरेज ऑफ द क्लास कैन ईदर बी अ होल नंबर और इट कैन ऑल्सो बी अर्सेंटेज नंबर और समथिंग दैट इज डेसिमल पॉइंट नंबर राइट यानी कि आपके पास फ्लोटिंग भी हो सकता है और आपके पास होल नंबर भी हो सकता है तो इसका मतलब है इसके लिए अप्रोप्रिएट डेटा टाइप जो होगी वो होगी फ्लोटिंग टाइप डेटा ठीक है तो इसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप यूज करेंगे या double भी use कर सकते हैं लेकिन बेसिक के लिए हम फ्लोट यूज कर सकते हैं क्योंकि आपके आपके पास पास बहुत larger value नहीं आएगी कभी भी average की अगर आपके पास एक finite number of class है तो उसकी कुछ एवरेज जो है इट विल नॉट बी वेरी लार्ज नंबर आपको लॉन्ग या डबल यूज करना पड़े बल्कि आप सिंपल अगर फ्लोट uh, यूज कर लें तो इट विल सफाइस योर वर्क राइट अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन इलेवन और उसमें सिर्फ ये पूछा हुआ है कि कुछ नेमिंग अगर आप लोग रिकॉल करें वो वाला टॉपिक जिसमें हमने नेमिंग कन्वेंशन को डिस्कस किया था वेरिएबल्स की किस किस तरह के रूल्स हैं जो कि अप्लाई होते हैं यू आर गिविंग नेम टू एनी वेरिएबल तो उस केस में आपने वो सारे रूल्स रिकॉल करने हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि इनमें से कौन से जो वेरिएबल नेम्स हैं वो वैलिड हैं या नहीं हैं अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको फर्स्ट नंबर नज़र आ रहा है विच इज़ इनकम तो इनकम एक वैलिड वेरिएबल नेम है इसके अंदर कोई इशू नहीं है टोटल मार्क्स किस तरह का वेरिएबल है यानी कि जो आप कह रहे हैं टोटल मार्क्स एक गिवन है उसके दरमियान में कुछ प्रॉब्लम है जरूर अगर आप देखें टोटल मार्क्स हो सकता था वेरिएबल नेम लेकिन हमने देखा था कि वेरिएबल नेम में स्पेसेस अलाउड नहीं होती या तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते थे या आप कोई और डिजिट या कनेक्टिविटी किसी और तरीके से बना सकते थे लेकिन आप उसमें स्पेस यूज नहीं कर सकते सो दैट इज एन इनवैलिड नेम और इट इज एन इनवैलिड वेरिएबल नेम इसके बाद अगर आप देखें तो थर्ड इज तो रीजन भी आपको पता चल गई है सेकेंड की कि एक तो ये कि वो इनवैलिड है उसका आंसर इनवैलिड है और दूसरी द रीजन इज के उसके अंदर स्पेस अलाउड नहीं है थर्ड इज के डबल डबल के केस में आपने बताना है मुझे कि क्या ये डेटा uh, टाइप जो है वो वैलिड है या नहीं है तो इट इज़ नॉट वैलिड डेटा टाइप क्योंकि हमने कहा था कि जो भी कीवर्ड्स होते हैं उनको हम कभी भी एज अ नेम यूज़ नहीं करेंगे यानी हम फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर हो गया या आई एन टी हो गया ऐसे नाम या ऐसे कॉम्बिनेशनस uh, जो कि ऑलरेडी कीवर्ड्स में एग्जिस्ट करते हैं उनको एज अ वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं करते और चूँकि डबल जो है वो एक डेटा टाइप का नेम है हम इसको एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते इट इज़ नॉट अलाउड ठ ठीक है ये रिजर्व वर्ड है सी का ऑलरेडी एवरेज स्कोर जो है एवरेज स्कोर को अगर आप देखें तो ये भी एक इनवैलिड है नेम वाई बिकॉज आपने देखा था कि उसके अंदर जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो अलाउड नहीं होते इसमें हाइफन यूज़ हुआ हुआ है जबकि हाइफन जो है वो अलाउड हमारे पास होते हैं सिम्बल्स उसमें से नहीं है बल्कि आप इसकी जगह अगर अंडर स्कोर यूज करते तो दैट वुड बी अलाउड वन ठीक है नेक्स्ट अगर हम देखें तो रूम और उसके आगे नंबर साइन या हैश टैग साइन जो है वो यूज़ हुआ हुआ है तो क्योंकि हैश टैग साइन या नंबर साइन इज ऑल्सो नॉट एन अलाउड सिम्बल इन द नेम तो इसका मतलब है ये भी एक इनवैलिड नेम है अगर आप नेक्स्ट देखें उसके अंदर एक यूज़ हुआ हुआ है अंडरस्कोर एरिया के नाम से अब अगर हम बात करें अंडरस्कोर एरिया तो इट इज कम्प्लीटली वैलिड नेम फॉर अ वेरिएबल क्योंकि हमने देखा था कि कोई और सिंबल बिगिनिंग में नहीं आ सकता वेरिएबल नेम के लेकिन अंडरस्कोर हो सकता है सो इट मीन्स दैट इट इज वैलिड वेरिएबल नेम इन सी लैंग्वेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब अगर आप देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी तीन अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन उनको ज्वाइन किया गया है यूजिंग अंडरस्कोर्स तो अंडरस्कोर्स का मतलब है दैट इज इन लाउड सिंबल इन द नेमिंग कन्वेंशन तो उसका मतलब ये है कि हम लोगों के पास ये एक वैलिड नेम है फॉर द वेरिएबल नेक्स्ट है लॉन्ग विच इज अगेन इन वैलिड फॉर द रीज़न कि इट इज़ अ रिजर्व वर्ड इन सी फॉर अ डेटा टाइप तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ऑलरेडी रिजर्व वर्ड है तो हम इसको एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते नेक्स्ट अब देखें अगर वेरिएबल का नेम तो वो गिवन है आइटम नाइन्थ जो हमारा नेम है वो है आइटम आइटम में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है है कि ये नेम है, क्योंकि कोई भी ऐसी रूल ब्रेकिंग चीज इसमें नहीं हुई हुई आइटम सिंपल एक लेटर्स की फॉर्म में लिखा गया है स्टार्ट भी लेटर्स से हो रहा है सो इट इज वैलिड वेरिएबल नेम उसके बाद है स्पीड अगर आप स्पीड भी देखें तो ऑल कैप्स है और उसके दरमियान में अंडरस्कोर है तो इट इज ऑल्सो अ वैलिड नेम क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो कोई भी तरह का रूल ब्रेक नहीं हो रहा वैलिड नेम है और इसमें सारी के सारे रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल हो रहे हैं तो आई होप ये सारा का सारा जो हमने जितने भी वे वेरिएबल्स को डिस्कस किया है ये आपको समझ में आ गया होगा जिनको अभी भी इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है यू हैव टू गो थ्रू द लेक्चर ऑन वेरिएबल नेम जब हमने किया था उसमें रूल्स डिस्कस किए थे ऑफ नेमिंग अ वेरिएबल उसको एक दफ़ा ज़रूर आप गो थ्रू करें ताकि आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन तो वो क्लियर uh, आउट हो जाए सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 12 को हम इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे इट इज थियोरेटिकल और आप ऑलरेडी ये टॉपिक्स जो हैं डिस्कस कर चुके हैं इन टू द थ्योरी लेक्चर्स हम डिस्कस uh, करते हैं 13 को अगर 13 को आप देखें तो 13 का क्वेश्चन ये है कि लेट w x y एंड z बी द नेम्स ऑफ फोर टाइप ऑफ फ्लोट वेरिएबल्स

अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन uh, देखें दैट इज जी इज इक्वल टू फोर पॉइंट जीरो डब्ल्यू इन टू एक्स अब आपको पता है कि जो डब्ल्यू एक्स वाई जी हैं दे आर ऑल फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स एंड ए बी सी आर ऑल इंटीजर टाइप वेरिएबल्स इसका मतलब है कि इनकी जो वैल्यूज होंगी वो डेसिमल वैल्यूज जो हैं डब्ल्यू टू जी की हो सकती हैं ए बी सी की जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इंटीजर टाइप ही सिर्फ हो सकती हैं अब अगर आप नेक्स्ट देखें तो uh, लिखा हुआ है कि z इज इक्वल टू फोर पॉइंट जीरो डब्ल्यू साइन और उसके बाद y अच्छा यहां पे अगर देखें टर्मिनेशन का प्रॉब्लम कोई नहीं है क्योंकि टर्मिनेशन साइन भी गिवन है असाइनमेंट ऑपरेटर भी गिवन है यहां पे एक प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आ रहा है और आप लोगों ने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम सी के सोर्स फाइल में कुछ लिखते हैं यानी कि कुछ ऑपरेशंस लिखते हैं एक्सप्रेशंस में तो वहाँ लिखते हुए ये रूल अप्लाई नहीं होता जैसे मैथ्स में हम करते हैं कि फ़ोर ए मीन्स के फ़ोर इन टू ए तो ये बाई डिफ़ॉल्ट नहीं होता बल्कि कंपाइलर के अंदर हमें उसे ऑपरेटर बताना पड़ता है कि फ़ोर और ए के दरमियान में कौन सा ऑपरेटर यूज़ हो रहा है यानी कि अगर ये मल्टीप्लीकेशन है तो मुझे मल्टीप्लिकेशन का साइन इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पर अगर आप देखें तो फोर और W के दरमियान में चाहे रिलेशनशिप मल्टीप्लीकेशन का है लेकिन मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर यूज नहीं हो रहा विच इज अ वायलेशन ऑफ द रूल्स ठीक है तो एक्सप्रेशन लिखते हुए अगर आप देखें तो ये आना चाहिए इट मस्ट बी समथिंग लाइक दिस के 4.0 पॉइंट जीरो इन टू डब्ल्यू इन टू वाई या मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई वाई तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन जो है वो सही एक्सप्रेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू वाई जी अगेन इसका जो वायलेशन है इट इज़ सिमिलर टू द फर्स्ट वन अगर आप देख रहे हो कि इसमें भी वाई जी में जब हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो ये अंडरस्टूड बात होती है कि इनके दरम्यान में मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन हो रहा है लेकिन कंपाइलर ऑटोमेटिकली ये बात डिटेक्ट नहीं करता कि इसके दरम्यान में कौन सा रिलेशन होगा सो यू हैव टू पुट द ऑपरेटर देयर इसका मतलब ये है कि अगर वाई को जी से मल्टीप्लाई करना है तो उसके दरम्यान में मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर जो कि सी लैंग्वेज में

और हम कहते हैं जब भी हम कम्बाइनली इन सबको लिखते हैं मैथमेटिकली रूल के मुताबिक इनके दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन uh, का ऑपरेशन है हम कोई भी और ऑपरेटर यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते जस्ट वी कैन राइट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर ओवर हियर तो अगर आप देखें तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का होना चाहिए ए इज़ इक्ल टू सिक्स इन टू बी इन टू फोर या सिक्स मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई फोर तो ये आपके पास एक्सप्रेशन एक्चुअल होना चाहिए नेक्स्ट अगर आप एक्सप्रेशन देखें तो उसमें भी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सिमिलर है द एक्सप्रेशन इज सी इज़ इक्वल टू थ्री ब्रैकेट्स ए प्लस बी अब हमें मैथमेटिक्स में पता है कि ये थ्री जो है वो अंदर ए से भी मल्टीप्लाई होगा और बी से भी मल्टीप्लाई होगा और डिस्ट्रीब्यूशन का रूल जो है यहाँ अप्लाई होता है यानी कि थ्री ए प्लस थ्री बी आ जाएगा लेकिन वो थ्री ए का मतलब भी है थ्री मल्टीप्लाइड बाई ए थ्री बी का भी मतलब है थ्री मल्टीप्लाइड बाई बी जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं द करेक्ट आंसर विल बी थ्री मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी तो अगर आप इस तरह से भी इसको लिख दें तो तो दैट इज अ वैलिड एक्सप्रेशन नाउ लास्ट देखें अगर आप तो उसमें वही वाली चीज है अगेन लेकिन एक्सप्रेशन कैसे लिखा हुआ है जी इज इक्वल टू सेवन डब्ल्यू प्लस एक्स वाई यहां पे भी अगर देखें आप तो मल्टीप्लिकेशन के साइंस जहां पे ऑब्वियस होते हैं मैथ्स में यहां पे ऑब्वियस नहीं है

अब अगर आप देखें तो हम क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तरफ चलते हैं जिसमें हमें कुछ अवेलुएशनस करनी है सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द बोर्ड सो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 14 ऑफ द चैप्टर नाइन तो उसमें अगर आप देखें तो आपको कुछ चीज़ें गिवन है जैसे कि कहा हुआ है कि एज्यूम दैट यू हैव फॉलोइंग वेरिएबल डिक्लेरेशन ए बी सी डी इस तरह से आपके पास पी तक वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर्ड हैं जो कि इंटीजर टाइप के हैं आपके पास ये वेरिएबल्स हैं जिनकी टाइप इंटीजर है और उनकी कुछ वैल्यूज भी गिवन है यानी कि उनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे ए की वैल्यू टू गिवन है सी की वैल्यू वन गिवन है डी की वैल्यू जो है वो थ्री गिवन है इसी तरह कुछ वेरिएबल्स हैं जो फ्लोटिंग पॉइंट से डिक्लेयर किए गए हैं यानी कि फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं जिसमें वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जी हैं और उसमें से जी की वैल्यू 1.3 गिवन है और वाई की वैल्यू जो है वो जीरो पॉइंट थ्री इन टू टेंट्रेस पर वन गिवन है जब आप देखें बुक में लिखा हुआ है ई e उसके आगे प्लस साइन और उसके आगे वन इसका मतलब होता है टेन की पावर जो है यानी एक्सपोनेंट की पावर जो है वो वन तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम इसको थ्री भी लिख सकते हैं वाई को बिकॉज जीरो पॉइंट थ्री इंटू टेन इज थ्री एग्जैक्टली अब यहाँ पे एवेलुएट करने के लिए कुछ एक्सप्रेशन गिवन है हम फर्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं विच इज़ वी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई वाई

उसके अलावा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन ओवरऑल कैलकुलेट हो रहा है उसके अंदर मल्टीपल तो जो ऑपरेटर्स हैं वो यूज़ हुए हुए हैं इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे प्रेसिडेंस देखनी पड़ेगी सिंस वी ऑलरेडी नो कि डिवीजन की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है मल्टीप्लिकेशन से तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पोर्शन को पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद वो वैल्यू जो है वो डिवाइड हो जाएगी 2.5 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा और ये जो वैल्यू आएगी ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इवेंचुअली ए से और इट विल गिव अस आंसर वन जो कि अप्रोक्सीमेटली हम 1.67 के इक्वल भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमने कितने डेसिमल पॉइंट वैल्यूज तक सेलेक्ट किया है उतने डेसिमल पॉइंट वैल्यूज तक हमारे पास आंसर आ जाएगा अगर आप ये देखें तो इस तरह से इंटरनली इस तरह से सॉल्व होगा अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ सेकेंड एक्सप्रेशन विच इज डब्ल्यू इज इक्वल टू ए बाय वाई इसका मतलब यह है कि यहां पे आपके पास दो ऑपरेटर्स हैं एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और एक डिवीजन का ऑपरेटर है तो यहां पे ए की जो वैल्यू है टू विल बी डिवाइडेड बाय थ्री विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स Which is equal to तो इसका मतलब ये हुआ सो दट मीन इनका जो आंसर है यानी कि इनके एक्सप्रेशन की जो वैल्यूएशन है वो हमारे पास असाइन हो जाएगी टू डब्ल्यू ठीक है तो इसका मतलब हुआ की ये सेकेंड भी इजी था और हमने इसको सोल्व कर लिया लेट्स मूव ऑन टू दर्ड वन थर्ड एक्सप्रेशन थर्ड एक्सप्रेशन है पी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई डी इसका मतलब है ए की जो वैल्यू है उसने डी पे डिवाइड होना है और जो आंसर है वो पी को असाइन हो जाएगा यानी पी वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया है उसको वो वैल्यू जो है असाइन हो जाएगी लास्ट दो जो वेरिएबल्स हैं उसमें अभी तक हमने जो डिक्लेयर किया था यानी कि जो हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं हमने अगर v को या w को डिक्लेयर किया था एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स तो इसका मतलब है आंसर अगर फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है तो वो एज इट इज़ उसको असाइन हो जाएगा कोई भी आंसर क्लिप नहीं होगा या वो उसको एलिमिनेट नहीं करेगा किसी भी पोर्शन ऑफ uh, आंसर को लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो हमारा स्टार्टिंग से जो वेरिएबल है p इज़ गेटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड d a की वैल्यू जो है वो टू है और d की जो वैल्यू है वो थ्री है अगेन हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज जीरो पॉइंट सेवन विच इज सेवन लेकिन अगर आप देखें तो यही वैल्यू असाइन है एक ऐसे वेरिएबल को अगर आप देखें यहां पे पी को क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी जीरो क्योंकि पी जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है वो ये कंप्लीट वैल्यू जो है उसको कंटेन नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जो डेटा टाइप है वो ही अलाउ नहीं करती कि आप उसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो वैल्यूज हैं उनको इनकलकेट uh, करें तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पॉइंट से पहले जो वैल्यू है उसको रिटेन करेगा और उसके बाद जो वैल्यू है उसको एलिमिनेट कर देगा यहाँ पे आपके पास आंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू आ जाएगी यानी सिर्फ और सिर्फ जीरो आ जाएगा इसीलिए ऑल दो जो आपका क्वेश्चन नंबर टू था और वो थ्री था वो ऑलमोस्ट सेम थे लेकिन आंसर्स में ड्रास्टिक चेंज है अब अगर आप देखें तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है विच इज फोर विच सेज के एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सी विच इज डिवाइडिंग बाय जी प्लस जीरो पॉइंट थ्री अब यहाँ पे देखिए तो एक्सप्रेशन में हमारे पास ऑपरेटर्स अगेन थोड़े से ज्यादा हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि डिवीज़न का ऑपरेटर जो है वो अप्लाई होगा बिटवीन ए प्लस सी का रिजल्ट और जी प्लस जीरो पॉइंट थ्री का रिजल्ट क्योंकि दे आर इनक्लोज इन टू द ब्राकेट इसका मतलब है ब्रैकेट की प्रेसिडेंस जो है वो जो हमारा डिवीजन का ऑपरेटर है उससे भी ज्यादा है क्योंकि आप जब देखें हम प्रेसिडेंस की बात करते हैं तो ऑल दो डिविजन की प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स में अर्थोमेटिक ऑपरेटर्स में ज़्यादा है लेकिन अगर हमारे पास ब्रैकेट्स आ जाए तो हम ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x में वैल्यूज कहाँ कहाँ प्लेस करेंगे a प्लस सी विच इज़ टू प्लस वन विच इज़ डिवाइडिंग बाय z z इज़ 1.3 प्लस द वैल्यू इज़ ज़ीरो तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है थ्री डिवाइडेड बाय वन पॉइंट सिक्स अब अगर आप गौर करें तो थ्री डिवाइड बाय वन पॉइंट सिक्स का जो भी आंसर हमारे पास आता है विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन पॉइंट एट सेवन फाइव ये आंसर आ जाता है इसका विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन पॉइंट एट एट अब अगर आप देखें तो एक्स भी एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल ही है तो इसका मतलब है कि ये डेसिमल पॉइंट को अकोमोडेट कर सकता है इसीलिए हमारे पास आंसर जो है वो यही होगा कि x को क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी 1.88 इसका मतलब ये है अगर आप x को प्रिंट करवाएं ये सारा एवेल्यूएट करने के बाद तो x में जो वैल्यू आएगी वो 1.88 आएगी अप्रॉक्सीमेटली अच्छा जी अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की विच सेज के हमारा एक्सप्रेशन है बी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई ए प्लस डी परसेंटेज ए अब यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस बहुत क्लियरली फॉलो होगी यानी आप किस को किस तरह से अवेलुएट करें वो बहुत क्लियर है यानी आप सबसे पहले डी को ए पे डिवाइड करेंगे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट साइंस खुद लगाए हैं क्योंकि मुझे पता है कि डी सबसे पहले सॉल्व होगा डिवाइडेड बाय ए क्योंकि डिविजन जो है वो पहले सॉल्व होगी सिमिलरली जो मॉड्यूल uh, का ऑपरेटर है ये भी uh, इस तरह से सॉल्व होगा कि ये आपके पास पहले सॉल्व होगा देन एडिशन का ऑपरेटर तो अगर यहां पे हम देखते हैं डी डिवाइडेड बाई ए इज थ्री डिवाइडेड बाई टू प्लस जो ये हमारे पास वैल्यू है ये आएगी आ, हमें पता है का मतलब होता है कि हम d की वैल्यू है थ्री और a की वैल्यू है टू इन दोनों को हम डिवाइड करें और उससे जो रिमाइंडर हमारे पास आए वो मॉडल का आंसर होगा तो इसका मतलब ये है कि थ्री डिवाइडेड बाई टू का आंसर हमारे पास आ जाता है अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट फाइव और हमारे पास ये जो आंसर आता है ये हमारे पास आएगा थ्री इज डिवाइडेड बाई टू तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो वन आ रहा है इसका मतलब है कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा इज प्लस वन इज असाइन टू बी अब यहां पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टू पॉइंट फाइव विच मीन्स की टू पॉइंट फाइव शुड बी असाइंड टू बी राइट लेकिन अगर हम देखें तो b इट्स एक इंटीजर वेरिएबल है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो टू आएगा क्योंकि टू पॉइंट फाइव को भी अकोमोडेट नहीं कर सकता तो आंसर वुड बी टू राइट अगर हम लास्ट क्वेश्चन देखें अपना इसी का लास्ट पार्ट दैट इज वाई इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय ए अब अगर हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस देखें तो डिवीजन की प्रेसिडेंस ज्यादा है, which के डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय ए ए की वैल्यू टू है अगर हम फाइनलाइज वैल्यू देखें तो हमारे पास आ जाएगी टू बाय थ्री विच इजरो पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आंसर आएगा वाई चूंकि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है सो इट विल बी असाइंड अ वैल्यू ऑफ जीरो पॉइंट सिक्स सेवन तो y की वैल्यू जो आएगी वो जीरो पॉइंट सिक्स सेवन होगी सो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा जो भी क्वेश्चन हमने ड्राई रन किए या फिर हमने उनकी आउटपुट्स को कंसिडर किया या हमने उनके आंसर्स डिस्कस किए हैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको अभी भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू गो बैक टू दैट टॉपिक एंड गो थ्रू इट अगेन। सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर लाफि